पता नहीं भाई, इस जन्म में वो मुकाम आएगा भी नहीं आएगा जब मैं सफल होऊंगा। कभी कभार पता है मैं क्या सोचता हूँ सच। हेलो जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। और आज है 19 दिसंबर 2023, साल खत्म होने वाला है। 12-13 दिन बचे हैं, 11-12 दिन बचे हैं। तो सुबह सुबह मैं उठ गया हूँ, और भाई जैसे कि रोज का होता है, मेरा बाबू यानी कि विराट मुझे सोने नहीं देता रात को, और सुबह सुबह नींद पूरी नहीं हो पाती, फिर भी उठना पड़ता है। क्या करें, उठ गया हूँ और चाय आ गई अपनी, चाय पीते हैं और वही रोज़मर्रा की तरह निकलते हैं अब काम पे। और क्या ही कर सकते हैं हम। देखो भाई, मैं अपनी वाइफ से पता क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना कि ब्लॉग में मत बोल, बोलो। बाबू को उसे दे दान कर दिया जाए जिसकी संतान नहीं है, तो वो अच्छे से केयर करेगा। हाँ, हमारे तो 3-4 है ना, और तो 3-4 बाद में ही ये है ना, नहीं, 3-4 ही है ना, तो तब भी नहीं दिए हैं किसको, क्यों दे? अब तो अच्छी बात है जी, दान बहुत बढ़िया चीज होता नहीं, है। तुम चले जाओ ना दान में, तुम हैं? चले जाओ। अब सही बता रहे हैं। किसों किसों बड़ा लड़का मिले और किसी, छोटे में तो व्यापार में पड़े, सब करने पड़े। तुम तो इतने बड़े सीधे कमाई के सामान लाए, तुम चले जाओ। अब तो दिक्कत का है, अरे तुम्हें जान में कहा है, तुम चले जाओ। मम्मी वहां कर रही हैं, मम्मी तो हाँ और नहीं कर रही है। देखो सुबह सुबह ये रात को बहुत परेशान करता है, नींद पूरी नहीं करने देता। मम्मी बाबू का दान कर दो उसको जिसकी संतान नहीं है। अपना फोन दान कर दे, अरे फोन दान कर दे तो बाद में ये करके ना, जो आप पहले कर दे फोन, फोन तो और आ जाए फोन तो सबके पास होता है ना, मेहनत करियो फिर ले लियो, दो दान कर दे। मैं तो जिसे जिसे दान करे उसके पास तो फोन हो अरे जाता उनके है। पास ना है टच वालों फोन, किनके पास? जिन्हें बाबू दान कर रहे, तो वो टच देख के वालों तो खुश हो जाए। हम सस्तों से लेके दे दिए, तुम सस्तो ना जाए दे, कर दिए ना करे जाओ। कभौ क्यों? ना कभौ, चाहे भले हमें पालन पड़े, कछु खर्चा पानी हो, अरे रोता है बेकार में परेशान कोई कर। हम अपनों छुपा लिए, रोता है हाँ ना। बस घर में रोने का है, पता कितना अच्छा लगा था। है कातल बाबू को दान करना चाहे तो कर सकत है। नो, मेरा बस चल भाई, मैं तो दान कर दूं, यही लोग मना कर रहे हैं। मेरी वाइफ बोल रही है कसम खा लो फिर दान कर दूंगी, कर दियो हाँ है। कसम है, चलो दान कर दो। नहीं कसम खाओ, तुम्हारी कसम दिल से बोले दे ब्लॉग में सबूत सामने। मेरी वाइफ ना भाई, देखो कोई भी बात होती है ना कसम खिला देती है, फिर मेरे को ही फंसा देती है, ताने मारती है कि तुमने तो कसम खाई थी, तुम तो झूठ बोलते हो, तुम तो ये, तुम तो वो। नहीं तुम दूर नहीं जाओ दिल से। मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार, तुम बुरा मत मानना, मैं ऐसे देख रहा था, वो ले रहा था इनका मतलब इनकी वो ले रहा था, परीक्षा परीक्षा ले रहा था कि ये क्या बोलते हैं। वैसे एक बात बताओ, 100 माँ के 10 बच्चा हुए, वो अपने बच्चा दान कर सकते थे? नहीं कर सका, नहीं कर सकते। क्यों? 10 हो गया तब भी? जिनके 10 होने तो पूछो जाए पहले के को दान कर सका था, ये बोला तुम कर सका था। बताओ, किसो के 10 बच्चा हुए या 9-10 बच्चा हुए, उस लेडीज से बोली जाए कि तुम दान कर दो अपना एक बच्चा, तो कर दिए? कर बहुत सी दो या तीन कर दो, तीन हो या ना हो कर देती है, देती है। दान ना कर देती, कीमत ले लेती है। हमारा दसो जाना करेंगे तो ना करियो तुम। इनके कोमल के बाद एक आता ना, तो वो इनने कही थी हमें गोई जान दे, हमें दे दिए उन्हें ना। माँ तो माँ होती है भाई, माँ दान नहीं कर सकती है ना। मोहिनी तुम भी तो दान होके आई हो हमारे घर पे, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कैसे दान किया? मोहिनी बोल रही है हमारी, मेरी मम्मी अच्छी थी। देखो मोहिनी की मम्मी ने दान कर दो मोहिनी को। अरे उनमें हमारे में फर्क है, अरे सब भाई ठंड का मौसम है और ये देखो पैर, ठीक है। अपनी वाइफ को ना समझाता रहता हूँ कि चप्पल पहन के रखो, चप्पल पहन के रखो, जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, और तुम्हें जुकाम बुखार हुआ तो लल्ला को भी हो जाएगा। ये मानती नहीं है भाई। क्यों नहीं मानती है जी, बताओ, इतनी बार तुम्हें समझा हुआ है, क्यों ना मानती हैं? हैं ना, सुधरोगी? देखो मौसी और देखो मेरी माई, इनको फोन करके इनको सुनाओ 2-4 गाली ताकि ये सुधर सकें। अभी भी ना पहनती? हेलो, वाह देख लो भाई, जमीन इतनी ठंडी रहती है तब भी चप्पल नहीं पहननी, लापरवाह भाई।
पछता गया, पछता रहा हूँ यार मैं तो ऐसी वाइब पार्टी। अगर कोई ना वाइफ चेंज करने को मेला लग तो ना तुम्हें चेंज करके आ जाते हो उधर। छोड़ दे ओए। है? अबे छोड़ दे कल छोड़। ना अपना छोड़ सका तो प्यार हुई हो ना। मतलब ही प्यार है। दिल से प्यार करता है। लापरवाह औरत पहन लो चप्पल ठीक है? हैं? पहन लो ना। तुम समझाती ना होगी जुखाम उखाम हुई हो फिर लल्लो की दिक्कत हो जाए। जी तो दिए बाल मुंह पर सही हो जाए। सवेरे से एक बात रट के रही है। मोहिनी मोहिनी बाबू धूप खा रही ना मोहिनी? सुबह सुबह धूप खा रही है मोहिनी भी। झाड़ू से कितना प्यार है। झाड़ू खाती रहती है। बोरिंग डर के भाग जाती है इससे। बोरिंग जात ना मारो। दोबारा अपने सामना होने वाला है। एकदम निशाना सामने है। मोहिनी घूर रही है। मोहिनी कुछ नहीं करती। मोहिनी भाग जाती है खड़ी डर के। ये भाई इतना छोटा सा है देखो। अभी दोनों विरोधियों का अपना सामना होगा दोबारा। चल मोहिनी भाग जा वरना पिटेगी बहुत गंदी। ठीक है ना? वो छोटा है दिखने में। ये दोनों लोग भाई खाना बनाने पे बहुत परेशान करते हैं। ये तो झाड़ू वाड़ू लगाने पे सब पे परेशान करती है मोहिनी तो। पर ना एक चीज अभी मोहिनी के रहने से ना हलचल रहती है। कोई भी आ जाए कुछ भी आ जाए घूमती रहेगी। बीच में खाना खाएंगे तो इधर उधर घूमती रहेगी जाती रहेगी। हम इसको भी साइड में रोटी डाल देते हैं खाती रहती है। मतलब हलचल रहती है इसके रहने से। चलो ठीक है जा रहे हम। ठीक है रोटी इतनी इज्जत क्यों कर रही है? चूल्हे में घुस के काली हो गई। वो नहीं देखो आग देखो दूसरी वाली इसकी। ये देखो इसे क्या पप्पी लेगी क्या मोहिनी? तो भैया फैक्ट्री खोलते हैं। जय बोड़े की। एक दो तीन। चलो भैया लग गए काम पर। चलो भैया लगते हैं काम पे। सबसे पहले मैंने ही खोली फैक्ट्री और 10 बज गए पूरे। मम्मी का ना मेरे फ़ोन पे कॉल आ जाता है ना फिर मम्मी बात ही करती रहती है भाई। मम्मी का कॉल आ गया किसी का चाची का तो मम्मी भाई बात ही कर रही। मैं बोल रहा मम्मी काम पे जाना है मेरे को फ़ोन दे दो। चलो भैया ये वाला माल चलाना है। मैं सबसे पीछे चल रहा हूँ यार। मैं पता क्या करता हूँ जो ये ब्लूटूथ है कान में लगाता हूँ अपन काम करता रहता हूँ। ज़्यादा किसी से बातचीत भी नहीं करता। कोई नहीं को चूल्हे में घुसेड़ के पूरा काला कर दिया मैंने। एक और बार घुसेड़े कल काली हो सही से पहले। हाँ चल खुद बार बार कितनी गंदी कर रहे हैं। काली काली मोहिनी काली। और भाई आज मेरे साथ ना कुछ ऐसा हुआ कि भाई मतलब मैं ज्ञान दूंगा पर एक बात है भाई दुनिया में ना आपको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता यार। और ये दुनिया ना मतलब भाई चाहती है कि आपसे सब कुछ छीन लिया जाए। मतलब इतनी मतलबी है ये दुनिया कि मतलब चाहती आपके पास कुछ भी है सब छीन लिया जाए। बस अपने अपना सबको पड़ा है भाई। सबको अपनी अपनी पड़ी है। ऐसी है दुनिया भाई। आज मेरे को ये समझ में आया। मैं सोचता रहता हूँ कि यार दूसरों के बारे में भी सोचूं दूसरों के बारे में भी सोचूं। पर जब सामने जिसके बारे में तुम अच्छा सोच रहे हो ना वही बंदा तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है ना तो भाई इंसानियत से विश्वास उड़ जाता है। ऐसा होता है बड़ी। चलो भाई 9 बज गए। अब जा रहा हूँ काम पे से घर। मैं ब्लॉग जब भी बनाता हूँ जब सारे लोग छुट्टी करके चले जाते हैं और सबसे लास्ट में मैं ही छुट्टी करता हूँ 9 बज गए। और बस भाई क्या करें यार। और ना आजकल ना ब्लॉग बनाने में ज़्यादा मतलब नई नई चीज़ें नहीं दिखा पा रहा मैं ब्लॉग में यार। वही बोरिंग वाली ज़िंदगी घर से काम काम से घर। और ज़िंदगी में इतना कुछ खास चल भी नहीं रहा। और मेरा तो मन करता है घूमने घूमने का और घूम सकता नहीं हूँ यार अभी। मतलब
इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है मेरी मैं घूम सकूं, पर मेरा बहुत मन करता है घूमने का, शुरू से ही शौक रहा है मेरे को ट्रैवलिंग का। और ऊपर से मैंने प्लान भी बनाया था कि यार मतलब मेरी साइकिल रहती ना तो मैं कहीं घूम के आता, 6-7 दिन का ट्रिप करके आता, ऐसा मैंने सोचा था। पर साइकिल चोरी हो गई, अब यार क्या करें, अब ट्रिप भी नहीं कर सकता, ट्रिप करने के लिए वो घूमने के लिए भी साइकिल की ज़रूरत है। और मुझे पता है भाई मेरे व्लॉग में मज़ा नहीं आ रहा होगा, अच्छे नहीं लग रहे होंगे मुझे पता है, पर क्या करें, मैं फिर भी व्लॉग बना रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ ना यार डेली व्लॉग चालू रखो यार, मतलब इससे ना मतलब चैनल कुछ बढ़ेगा, या मतलब डेली व्लॉग चालू है ज़बरदस्ती में ऐसी, मतलब कभी मज़ा आता है कभी नहीं आता, कभी मन करता है नहीं करता यार, क्योंकि कुछ अलग नहीं हो रहा ना। वही यार सॉरी यार भाई, कुछ मैं अलग नहीं दिखा पा रहा, क्या करूँ भाई, मजबूर हूँ यार, बंधा पड़ा हूँ मैं। और आज मैं ये वाला माल चला रहा था, ये वाला, ये जो है ना इसकी सिलाई, ये वो वाली है, हवाई चप्पल नहीं होती जो हवाई चप्पल ऐसे पहनते हैं, उसी का है ये बनाया था। तो आज कल के मुकाबले थोड़ा अच्छा काम किया, जल्दी थोड़ा ज़्यादा काम किया है। कल का दिन मैंने मतलब बहुत बेकार था मेरा, कोई ना भाई थक जाता हूँ भाई, देखो यार 12 घंटे 12 क्या लगा लो 10.5 घंटे, क्योंकि मैं सुबह 11 बजे काम पे आता हूँ ना, 10.5 घंटे यहाँ बैठना पड़ता है, तो ये काम इतना आसान भी नहीं है। पर ठीक है यार, मेरी आदत बन गई है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब मेरे को VIP 5-स्टार होटल में बैठ के खाना खिलाओ भाई, सही है मतलब, पर ना थक जाता हूँ शरीर, और फिर ना शरीर की हलचल नहीं हो पाती, तो इसलिए ना मतलब बैठने वाला काम ना मेरे को पता नहीं क्यों पसंद सा नहीं है, बोर हो गया इस काम से भाई, मेरे को पता ये काम करते करते हो गए 6-6.5 साल। और अब मैं पता क्या सोचता हूँ कि यार कोई अच्छा काम सीखा होता काश मैंने, ये काम क्यों सीखा, मजबूरी है भाई मजबूरी। जिस टाइम मैंने ये काम सीखा था ना उस टाइम भाई घर में आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब चल रही थी, आर्थिक स्थिति नहीं ख़राब चल रही थी, कुछ और ही लफड़ा था। मैं कभी वो वीडियो, ये चीज़ मैं अपनी कहानी ना किसी अलग सी वीडियो में बताऊँगा, जब कभी कुछ ठीक ठाक काम करने लग जाऊँगा या मतलब सफल हो जाऊँगा अपनी लाइफ में, तब बताऊँगा अपनी कहानी कि भाई मेरी कहानी इतनी आसान नहीं है। आप सुनोगे ना आंसू ला दूंगा आपको, इतनी मतलब इतनी वैसी कहानी है मेरी, पर कोई ना बताऊंगा तभी, अभी तो हंसता हुआ देखते हो आप मेरे को। चलो भाई टेंशन होती है यार जब तक लाइफ में सेट नहीं होना, जब तक मेरे को टेंशन रहती है, मैं ना हर जगह हाथ पैर मारने की कोशिश करता रहता हूँ कि यार मतलब ना कैसे भी करके ना मैं ज़िंदगी में सेट हो जाऊँ, मतलब ऐसा कि मतलब 30-40 हज़ार रुपये महीना कमा सकूँ, इतना पैसा कमाने लग जाऊँ, बस ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए। वो काम वूम देखता रहता हूँ मैं, नए नए काम ट्राई कर रहा हूँ, पर वही यार देखो ऐसा भी, अभी मैं इस मुकाम पे हूँ ना, ये काम छोड़ के ना कुछ और काम नहीं कर सकता मैं, ये काम भी करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि भाई किराया वराया हर चीज़ होती है, पता नहीं मैं ये सब बातें कर क्यों रहा हूँ, पर क्या करें भाई। यार देखो आप मेरी वीडियो देखते हो रोज, तो मेरे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए ना यार, शिवम क्या करता है, शिवम के मतलब मन में क्या चलता है। वही यार मैं दिल की बातें बहुत कम करता हूँ यार, पर क्या करूँ, फिर भी मैं मुस्कुराता रहता हूँ भाई, प्रॉब्लम चाहे कुछ भी हो मुस्कुराते रहो मज़े लेते रहो, है ना। पता नहीं भाई इस जन्म में वो मुकाम आएगा भी नहीं आएगा जब मैं सफल होऊंगा। कभी कभार पता है मैं क्या सोचता हूँ, सच बता रहा हूँ आपको हंसी आएगी, मैं सोचता हूँ यार किसी बड़े घर में जन्म लिया होता ये वो, फिर मैं सोचता हूँ यार बड़े घर के लोग ना ऐसे होते हैं यार, मतलब ठीक है भाई गरीबी में पैदा हुआ हूँ कोई बात नहीं, पर छोड़ो जो हुआ सो हुआ, पर ये बड़ा पागल जैसी सोच है, पता नहीं मैं क्या सोचता रहता हूँ यार, सही में सोचता हूँ यार कि बड़े घर में पैदा हुआ होता तो मेरे को काम नहीं करना पड़ता ये वो, पर भाई उसके भी अलग ही नुकसान होते हैं बड़े घर में पैदा होने के, और गरीबी में ये तो है चलो भाई ठीक है यार। पर ना कभी कभार ऐसा भी होता है जैसे ना मैं अपने से कम जैसे गरीब लोगों को देखता हूँ ना, जिनके पास जिनका हाथ पैर नहीं है जो भीख मांग रहे हैं या जिनकी स्थिति मेरे से भी बुरी है, तो मैं सोचता हूँ यार कि ठीक है यार सिवन ठीक है हालत बुरे हैं पर इतने बुरे तो नहीं है यार, तो उस चीज़ को देख के कभी कभार मैं अपने आप को सोचता हूँ कि यार ठीक है हो रहा है सो होने दो, कभी ना कभी तो अच्छा टाइम आएगा, पर ये नहीं पता इस जन्म में आएगा अगले जन्म में आएगा। शिवम तू इतना ज्ञानी क्यों बनता जा रहा है यार, सॉरी भाई यार कभी कभार ज्ञानी बन जाता हूँ यार क्या करूँ, सॉरी। चलते हैं सीधा घर, और घर जाने से पहले कुछ भूल तो नहीं ना, चाबी ले लेता हूँ यार, और घर जाने से पहले ये काम तो करना ही पड़ता है, एक एक दो तीन। चलो भैया पहुँच गए घर, और भाई घर पहुँच गया हूँ, और घर पे मेरे मामा मेरी मामी और मेरी सास और मेरे मामा का लड़का ये लोग आए होंगे, चलो मिलवाता हूँ उनसे। और जो मेरी माई है ना मेरी मामी है वो मेरी वाइफ की सगी मौसी भी हैं,
मेरी सास की बहन मेरी मामी है, तो समझ जाओ मेरी सास और मेरी मामी दोनों बहनें बहनें हैं सगी। मेरे को ना व्लॉग बनाने में सबसे ज़्यादा मज़ा पता कब आता है, जब मैं घूमता हूँ कहीं पे, चाहे वो दोस्तों के साथ चाहे फैमिली के साथ। फैमिली के साथ हूँ तो और मज़ा आता है, सबसे ज़्यादा मज़ा व्लॉग बनाने में तभी आता है। काम के दौरान मैं कभी व्लॉग बनाता हूँ। और भाई रोज की तरह गेट बंद है क्योंकि सर्दी का टाइम है। हेलो नमस्ते चाची, नमस्ते माई, नमस्ते उनसे बोल रहे हैं नमस्ते। का पंचायत चल रही का ब्लॉग में आ रही है, बोल दो चाची आप ब्लॉग में आ रहे हो। चाची पता ब्लॉग देख के चाची को पता लगो कि घर पे आई है हमारे सास। की वजह से ना हमारे घर की सब हकीकत पता चल गया। तो रुकेगा? चलो भाई अपना खाना आ गया। कैसी हो? देखो भाई मेरी मामी के हाल फिलहाल में लड़का हुआ है दूसरा। इस इतनी उम्र पे भी माई बच्चे कर रही है, मतलब पहले ही तीन। चलो भाई चाची को छोड़ने जा रहा हूँ मैं, ब्लॉग में दिखा दो। देखो ये मेरी चाची है, शकल तो दिखा दो चाची अपनी सुंदर सी। रुको पाए तो छोड़ लें दो, आशीर्वाद दे दो। चलो भाई यहीं तक छोड़ने आए, ठीक है चाचा? हाँ चल ठीक है ना, तेरी मम्मी ने रुकने तो दिया ही नहीं तेरे को, कोई बात नहीं जाएगा सुबह। चलो ठीक है पहुँच जाइयो, ठीक है फोन करियो। चलो भाई ये अपनी गली है जहाँ मैं पहले रहता था। मैं रात को ना पहले पबजी खेलता था, तो रात को ना यहाँ 10-10 बजे 11-11 बजे बैठ के यहाँ पबजी खेला करता था। और ये गली बहुत फ्रेंडली थी यार, मतलब इस गली में ना हम पिछले 12-15 साल से रहते। देखो यहाँ पे रहते इस वाले मकान में, ये था अब कोई और किराएदार बस गए। देखो भाई ये जगह थी जहाँ रहते थे हम पहले, यहाँ पे पहले पेंटिंग वेंटिंग कुछ नहीं थी, पेंटिंग हो गई तो सजा भी दी इन्होंने। जो मेरे पहले से व्लॉग देखता है ना उसको पता होगी ये जगह। देखो भाई ये कमरा है यार, यहाँ बेड रहता था मेरा, डबल बेड। देखो यहाँ वो रहता था सर और यहाँ ऐसे रहता था, और ऐसे करके मैं रोज ब्लॉग चालू करता था अपना। और देखो बिल्कुल सब कुछ बदल गया। देख लो, चलो ठीक है भाई। और हमारी सासू माँ कैसी हो? सही हो, तुम का देखन गए थे वहाँ। उन्होंने की बात मत चलाओ, तुम खाली ये की बात करो। माई गुस्सा ये है वरना माई का गुस्सा है, माई के वजह गुस्सा। अब सास तुम्हारी और बताओ, सही तो है अब का बता मैं तुम और बताओ। तुम इतने शर्माते हो काय हैं? तुम्हारे पापा के लिए, हमारे पापा के लिए। देखो भाई मोहिनी भी बीच में मनोरंजन करने आ गई, ऐसी है हमारी मोहिनी, सबके साथ गुल मिल जाती है। देखो बेचारी को आज मैंने काला कर दिया राख डाल के चूल्हे में घुसेड़ के। कितनी गंदी हुई। और बताओ मोहिनी तुम्हें याद आई हमारी उधर? जी देखो आप सही हुई कि ना है मोहिनी, तुम शकल क्यों ना दिखाती जा बताओ। इतने से तो इन्हें सब पहचान, हीरोइन होगा तुम हैं, हीरोइन होगा जो शकल ना दिखाती। इतनी सुंदर हो तुम शकल ना दिखाती, तुमसे बढ़िया तुम्हारी सासू माँ है, शकल तो ना छुपाती क्यों? सही है, तुम्हारे बिना माँ बहन ना दिखे। अच्छा तुम घर के ही ना रहो, हमारे साथ रहो, जरा गाँव मत जाओ। मम्मी को अपनी पटाई दे, पापा ते पापा तेरे मामा का।